किसी बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या ऐसी भी हो सकती है कि उसे जहरीला सांप डस ले और सांप ही मर जाए। लेकिन ऐसा बिहार के गोपालगंज में हुआ है। 4 साल के बच्चे को गेहुवन प्रजाति के सांप ने काट लिया था, जिसके बाद सांप की ही मौत हो गई। घटना के बाद बच्चे को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह मामला कुचायकोट थाना के खजूरीपुर टोला का है, जहां 4 साल का बच्चा अपने मामा के घर आया था। इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया। बच्चे की नानी ने सांप को देखा तो उसने लोगों को इस बारे में तुरंत जानकारी दी, लेकिन इसके बाद सांप कुछ दूर जाकर ही मर गया। इसके बारे में बच्चे की मां ने बताया कि बच्चा खेल रहा था, तभी उसे सांप ने डस लिया। वहां कई अन्य लोग भी मौजूद थे। सांप के डसने के बाद बच्चा रोता हुआ आया तो पहली बार में सब कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। इसके बाद बच्चे की बात सुनकर सबके होश ही उड़ गए। उसके मामा ने जैसे ही बाहर जाकर देखा तो एक जहरीला सांप मृत पड़ा हुआ था। यह देखकर सहसा किसी को भरोसा नहीं हुआ कि आखिर सांप कैसे मर गया। बच्चे के मामा का कहना है कि सांप के डसने की सूचना के बाद उन्होंने जाकर देखा तो वह तड़प तड़प कर मर चुका था। किसी ने सांप को मारा नहीं, हम लोगों ने उसे डब्बे में बंद कर दिया। बच्चे का डॉक्टर ने इलाज किया, अब वह ठीक है। बच्चे को देखने के लिए आसपास के लोग पहुंचे। स्थानीय डॉक्टर मनमोहन ने कहा कि हर इंसान के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो अलग अलग प्रकार की होती है। बच्चे के अंदर की प्रतिरोधक क्षमता हार्ड होगी, जिससे सांप की मौत हो सकती है। हालांकि घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर पा रहा है। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।